हादसा हुआ। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कई मौतें हुई हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इसके बाद खबर ये भी मिली कि अनफिट थी बस, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल प्रगति, आप सही कह रहे हैं, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि सबक शून्य हासिल और सन्नाटा पसर गया चारों तरफ। उन्नाव की बात करें, वहां पर एक बड़ा बस हादसा हुआ। आपको बता दें कि उन्नाव बस हादसे में दरअसल आपको बता रहे हैं कि कई लोग घायल हो गए। महोबा में दौड़ रही बिना परमिट वाली बसें, और लगातार आपको बता रहे हैं कि ऐसे हादसों को न्योता देती हैं इस तरह की बसें। जो है हादसे होते हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनकी जान भी चली जाती है। कई बार बसों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और उन्नाव हादसे के बाद अब जो महोबा आरटीओ है वो नींद में नजर आ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। रिपब्लिक भारत ने रियलिटी चेक किया, बिना परमिशन महोबा बसेस आ रही है जिसपे एग्जिट भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, कई बार हादसे हो चुके, कई बार लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। बिना परमिशन के बसेस लगातार आ रही है और सबक इनसे अभी तक नहीं लिया जा रहा। और ऐसे में जैसे कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि फिर उसके बाद प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। रिपब्लिक भारत की टीम ने खुद एक रियलिटी चेक किया है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। उन्नाव हुए बस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। वहां हादसे के बाद कुंभकर्णी नींद से जागे प्रशासन ने जब जांच शुरू की तो यूपी में चल रहे बस माफिया का बड़ा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि आरटीओ अधिकारियों की मिली भगत से बस माफिया यूपी समेत कई राज्यों में सिंडिकेट चला रहे हैं। उन्नाव में हुआ बस हादसा भी उसी के चलते हुआ था। वहां एक ही शख्स के नाम पर 39 बसें रजिस्टर्ड है, जिनमें से 35 बसें तो बिना फिटनेस के चल रही थी। इस पर खूब बवाल हुआ, खूब हल्ला हुआ। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक ने बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन क्या वाकई जमीन पर कुछ बदला, इसी की जांच करने रिपब्लिक भारत की टीम महोबा पहुंची। इस रियलिटी चेक में जब हम बस के अंदर दाखिल हुए तो क्या दिखा, ये देखिए। तो कई नियमों का उल्लंघन इन बसों में हो रहा है। ये प्राइवेट बसें हैं जो कि बड़े रूट पर चलती हैं, इसलिए इसको स्लीपर भी बनाया गया है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति बने तो किस तरीके से बाहर निकला जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक ये मेन दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के जरिए ही आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं। कोई इमरजेंसी गेट नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। अगर बस में आग लगती है तो किसी भी तरीके से आप मूव नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि जो बस है अब उसको यहाँ पर सीज किया गया है। हालांकि महोबा में जब इस बस को रोका गया तो जो चालक है उसने बताया कि कैसे जो चालान है वो मथुरा में कटा बिना परमिट का, लेकिन महोबा तक वो बस आ गई। लेकिन उसके बावजूद ये बस जो है सड़कों पर चल रही है, और इसी तरीके से ना जाने कितनी बसें इस तरीके से हैं जो देश के अलग अलग प्रदेशों में राज्यों में इस तरीके से चल रही है। हैरानी ये है कि उन्नाव हुए बस हादसे के बाद भी ना तो जमीन पर कुछ बदला और ना नेताओं पर आरटीओ अधिकारियों पर ही कोई कसर होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का परिवहन विभाग एक बार फिर अगले हादसे के इंतजार में फिर से नींद में चला गया है। पीले रंग की इस बस को ही देख लीजिए, ये बस दिल्ली से महोबा आई है। इसका मथुरा में चलान भी हुआ है क्योंकि बस के पास परमिट नहीं था, बावजूद ये बस महोबा तक आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ सिस्टम की बात हुई, अब जरा बस के अंदर की बात करते हैं। क्योंकि जब रिपब्लिक भारत की टीम बस के अंदर पहुंची और अंदर का मंजर देखा तो वो और भी डराने वाला निकला। बस के अंदर न फायर फाइटिंग की कोई सिस्टम लगा है और न ही इमरजेंसी में बस में बैठे यात्रियों के निकलने का इंतजाम है। कहने का तो बस में एग्जिट गेट है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से बंद करके वहाँ एक स्लीपर बर्थ बना दिया गया है ताकि बस माफियाओं की जेब फरती रहे। हम अंदर चल रहे हैं, मेरे वीजे को मैं कहूंगा थोड़ा अंदर लेकर आए, और चारों तरफ देखेंगे आप कि कहीं पर भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा। बस का एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली बस है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे कैबिन इस तरीके से बना दिए गए हैं बकायदा, उसमें ये गेट है, इस गेट को इस तरीके से लगा दिया गया है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यात्री किस तरीके से निकलेंगे, कोई इमरजेंसी आपको यहाँ पर दिखे, कोई इमरजेंसी वीडियो जो विंडो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। ये वाला कैबिन भी देख लीजिए, इसमें भी इमरजेंसी विंडो यहाँ पर नहीं है। मेरे वीजे थोड़ा सा आगे आएंगे तो दिखा पाएंगे, अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो कैसे निकले। इमरजेंसी विंडो के नाम पे सामने आप देखेंगे ये छोटी सी विंडो है, सिर्फ एक छोटा 3 या 4 साल के बच्चे के अलावा अगर कोई बड़ा निकलना चाहे तो वो नहीं निकल पाएगा, और वो इस लिहाज से नहीं निकल पाएगा। आप ये देखिए कि इन जगहों पर भी इन्होंने बर्थ बना दी है,
ये देखेंगे आप कि जो पैसिव है निकलने का रास्ता है वहां पर भी जो बर्थ है वो इस तरीके से बना दी गई है, तो कई नियमों का उल्लंघन इन बसों में हो रहा है। उन्नाव में जो बस हादसा हुआ वो इस महोबा के आरटीओ में रजिस्टर्ड है, इसलिए महोबा हमारे पहले रडार पर था, इसलिए हमारी टीम ने वहाँ खास तौर पर बसों और बस अड्डे का जायजा लिया। इस दौरान जब हमारी मौजूदगी में यहाँ एक बस के ड्राइवर से पेपर मांगे गए तो ड्राइवर बस का एक भी कागज दिखाने में असमर्थ साबित हुआ, जिसके बाद आर भारत की टीम को देखकर महोबा प्रशासन ने बस को जब्त करने की कार्रवाई करते हुए बस को स्थानीय पुलिस स्टेशन भेज दिया। जो परमिट है वो इस बस के पास नहीं था, कागज इस बस के पास नहीं है। सर अब इस केस में क्या होगा, मथुरा में इनका जो चलान है वो कट गया है, आप लोग अब क्या करेंगे? तो अभी तो फिलहाल बंद कर देंगे। तो ये क्या इनके पास परमिट नहीं था, ये रिसिप्ट में क्या समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ परमिट नहीं है इसमें, परमिट शर्तों का उल्लंघन है। शर्तों का उल्लंघन है जी जी। तो ये बस को अब सीज जो है वो किया जाएगा। हैरानी ये है कि उन्नाव हादसे के बाद महोबा बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन उन्नाव हादसे के बाद लोगों की आंखें खुली हैं, वो अनफिट बसों से सफर करने से बच रहे हैं, यहाँ बस स्टैंड खाली पड़े हैं। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि उन्नाव हादसे के बाद लोग बसों में सफर करना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात देखें तो उन्नाव बस हादसे के बाद लोग भले ही थोड़े जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बस माफिया और सिस्टम में घुन की तरह लगे भ्रष्ट अफसर अब भी सच्चाई से अपनी निगाहें फेरे खड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किसी और दहलाने वाले हादसे की खबर आ जाए तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि उन्नाव बस हादसे के बाद भी अभी तक सबक नहीं लिया गया, और जब रियलिटी चेक किया तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल हादसा हुआ, इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया, कई मौतें हुई हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इसके बाद खबर ये भी मिली कि अनफिट थी बस जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल प्रगति आप सही कह रहे हैं, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि सबक शून्य हासिल और सन्नाटा पसर गया चारों तरफ। उन्नाव की बात करें वहां पर एक बड़ा बस हादसा हुआ। देखिए आपको बता दें कि उन्नाव बस हादसे में दरअसल आपको बता रहे हैं कि कई लोग घायल हो गए, महोबा में दौड़ रही बिना परमिट वाली बसें, और लगातार आपको बता रहे हैं कि ऐसे हादसों को न्योता देती हैं इस तरह की बसें, जो है हादसे होते हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उनकी जान भी चली जाती है। कई बार बसों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, और उन्नाव हादसे के बाद अब जो महोबा आरटीओ है वो नींद में नजर आ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कर चुके लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। रिपब्लिक भारत ने रियलिटी चेक किया, बिना परमिशन महोबा बसें जा रही है जिसमें एग्जिट भी नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कई बार हादसे हो चुके, कई बार लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। बिना परमिशन के बसेज लगातार आ रही है और सबक इनसे अभी तक नहीं लिया जा रहा, और ऐसे में जैसे कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि फिर उसके बाद प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। रिपब्लिक भारत की टीम ने खुद एक रियलिटी चेक किया है, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बता दें। उन्नाव हुए बस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। वहां हादसे के बाद कुंभकर्णी नींद से जागे प्रशासन ने जब जांच शुरू की तो यूपी में चल रहे बस माफिया का बड़ा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि आरटीओ अधिकारियों की मिली भगत से बस माफिया यूपी समेत कई राज्यों में सिंडिकेट चला रहे हैं। उन्नाव में हुआ बस हादसा भी उसी के चलते हुआ था। वहां एक ही शख्स के नाम पर 39 बसें रजिस्टर्ड है, जिनमें से 35 बसें तो बिना फिटनेस के चल रही थी। इस पर खूब बवाल हुआ, हो हल्ला हुआ, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक ने बड़े बड़े दावे कर दिए, लेकिन क्या वाकई जमीन पर कुछ बदला, इसी की जांच करने रिपब्लिक भारत की टीम महोबा पहुंची। इस रियलिटी चेक में जब हम बस के अंदर दाखिल हुए तो क्या दिखा ये देखिए। तो कई नियमों का उल्लंघन इन बसों में हो रहा है, ये प्राइवेट बसें हैं जो कि बड़े रूट पर चलती हैं, इसलिए इसको स्लीपर भी बनाया गया है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति बने तो किस तरीके से बाहर निकला जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक ये मेन दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के जरिए ही आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं, कोई इमरजेंसी गेट नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। अगर बस में आग लगती है तो किसी भी तरीके से आप मूव नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि जो बस है अब उसको यहाँ पर सीज किया गया है। हालांकि महोबा में जब इस बस को रोका गया
तो जो जो चालक है उसने बताया कि कैसे जो चालान है वो मथुरा में कटा बिना परमिट का, लेकिन महोबा तक वो बस आ गई, लेकिन उसके बावजूद ये बस जो है सड़कों पर चल रही है। और इसी तरीके से ना जाने कितनी बसें इस तरीके से हैं जो देश के अलग अलग प्रदेशों में राज्यों में इस तरीके से चल रही हैं। हैरानी ये है कि उन्नाव हुए बस हादसे के बाद भी ना तो जमीन पर कुछ बदला और ना नेताओं पर आरटीओ अधिकारियों पर ही कोई कसर होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का परिवहन विभाग एक बार फिर अगले हादसे के इंतजार में फिर से नींद में चला गया है। पीले रंग की इस बस को ही देख लीजिए, ये बस दिल्ली से महोबा आई है। इसका मथुरा में चलान भी हुआ है क्योंकि बस के पास परमिट नहीं था, बावजूद ये बस महोबा तक आ गई। लेकिन ये तो सिर्फ सिस्टम की बात हुई, अब जरा बस के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि जब रिपब्लिक भारत की टीम बस के अंदर पहुंची और अंदर का मंजर देखा तो वो और भी डराने वाला निकला। बस के अंदर न फायर फाइटिंग की कोई सिस्टम लगा है और न ही इमरजेंसी में बस में बैठे यात्रियों के निकलने का इंतजाम है। कहने का तो बस में एग्जिट गेट है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से बंद करके वहाँ एक स्लीपर बर्थ बना दिया गया है ताकि बस माफियाओं की जेब फरती रहे। हम अंदर चल रहे हैं, मेरे वीजे को मैं कहूंगा थोड़ा अंदर लेकर आए, और चारों तरफ देखेंगे आप कि कहीं पर भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा। बस का एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली बस है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे कैबिन इस तरीके से बना दिए गए हैं बाकायदा, उसमें ये गेट है, इस गेट को इस तरीके से लगा दिया गया है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यात्री किस तरीके से निकलेंगे, कोई इमरजेंसी आपको यहाँ पर देखेगा, कोई इमरजेंसी वीडियो जो विंडो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। ये वाला कैबिन भी देख लीजिए, इसमें भी इमरजेंसी विंडो यहाँ पर नहीं है। मेरे वीजे थोड़ा सा आगे आएंगे तो दिखा पाएंगे, अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो कैसे निकले। इमरजेंसी विंडो के नाम पे सामने आप देखेंगे ये छोटी सी विंडो है, सिर्फ एक छोटा 3 या 4 साल के बच्चे के अलावा अगर कोई बड़ा निकलना चाहे तो वो नहीं निकल पाएगा, और वो इस लिहाज से नहीं निकल पाएगा। आप ये देखिए कि इन जगहों पर भी इन्होंने बर्थ बना दी है, ये देखेंगे आप कि जो पैसिव है निकलने का रास्ता है वहाँ पर भी जो बर्थ है वो इस तरीके से बना दी गई है। तो कई नियमों का उल्लंघन इन बसों में हो रहा है। उन्नाव में जो बस हादसा हुआ वो इस महोबा के आरटीओ में रजिस्टर्ड है, इसलिए महोबा हमारे पहले रडार पर था, इसलिए हमारी टीम ने वहाँ खास तौर पर बस और बस अड्डे का जायजा लिया। इस दौरान जब हमारी मौजूदगी में यहाँ एक बस के ड्राइवर से पेपर मांगे गए तो ड्राइवर बस का एक भी कागज दिखाने में असमर्थ साबित हुआ, जिसके बाद आर भारत की टीम को देखकर महोबा प्रशासन ने बस को जब्त करने की कार्रवाई करते हुए बस को स्थानीय पुलिस स्टेशन भेज दिया। जो परमिट है वो इस बस के पास नहीं था, कागज इस बस के पास नहीं है। सर अब इस केस में क्या होगा, मथुरा में इनका जो चालान है वो कट गया है, आप लोग अब क्या करेंगे? तो अभी तो फिलहाल बंद कर देंगे। तो ये क्या इनके पास परमिट नहीं था, ये रिसिप्ट में क्या समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ परमिट नहीं है, इसमें परमिट शर्तों का उल्लंघन है। शर्तों का उल्लंघन है जी जी। तो ये बस को अब सीज जो है वो किया जाएगा। हैरानी ये है कि उन्नाव हादसे के बाद महोबा बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, टूर एंड ट्रेवल्स के दफ्तर यहाँ खुले हुए हैं, लेकिन उन्नाव हादसे के बाद लोगों की आंखें खुली हैं, वो अनफिट बसों से सफर करने से बच रहे हैं, यहाँ बस स्टैंड खाली पड़े हैं। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि उन्नाव हादसे के बाद लोग बसों में सफर करना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात देखें तो उन्नाव बस हादसे के बाद लोग भले ही थोड़े जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बस माफिया और सिस्टम में घुन की तरह लगे भ्रष्ट अफसर अब भी सच्चाई से अपनी निगाहें फेरे खड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में किसी और दहलाने वाले हादसे की खबर आ जाए तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि उन्नाव बस हादसे के बाद भी अभी तक सबक नहीं लिया गया, और जब रियलिटी चेक किया तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल।